तो मेंटल हॉस्पिटल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अपना जो बेस्ट ना वही मुर्गे के पीछे पड़ जाता, उसको तो ऐसा लगता है एक प्यारी सी इंसान है जो मुझे लाइक करती है। तो ये जो तीनों यहां पे थे अपने जांगड़ी से पर वो कहते मास्टर ये देखो हमारी मास्टरनी को ना ये बर्ड यहां पे परेशान कर रहा है। मनी मन सोचते हो तो भाई वो हमारी मास्टरनी बनने वाली है, हमारे मास्टर को लाइक करती है, उनके साथ शादी होने वाली है, लेकिन ये बर्ड उसके पीछे पड़ा हुआ है। यार हम बिल्कुल भी ऐसा होने ना देंगे, जैसे मौका मिलेगा ना हम बर्ड को रास्ते से हटा देंगे। हमारा जो जांग है ना वो पूछता है से बताओ भाई क्या इसे बड़े ने तुमको परेशान किया क्या? हम परेशान किया तो बोलो हमको बड़ा क्यूट लग रहा है। समझो भाई क्यूट बोलना यानी भाई क्यूट से ये हटाओ काटो और खाओ, वही मतलब होता है इन दोनों का। हमारा मुर्गा सोचता भी परेशान तो बहुत किया, मन तो करे भाई खुद इसकी कुटाई कर दूं, लेकिन भाई अपने जैसा बीस्ट यहां पर है हां तो मैं मरवाना नहीं चाहूंगी, इसलिए कहती है नो इसने मुझे परेशान नहीं किया। हां तो फेनो जांग भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो बीस्ट ना वो बीस्ट यहां पे हो जाता है खुश और दीवाना कि वाओ यार ये सच्ची में मुझे लाइक करती है, मैंने बहुत ही परेशान किया, मुझे लगा ना इन दोनों को बोल के मेरी कुटाई करवाएगी, लेकिन उसने कुटाई नहीं करवाया, यानी भाई मुझे लाइक करती है, बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। लेकिन एक सेकंड, ये दोनों भी लड़के हैं और ये दोनों इंसान यहां पर हैं, दोनों हैंडसम है, दोनों स्ट्रांग है। हां तो ये लड़की यहां पर है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के साथ किसी के साथ एंड में शादी कर लेगी और मेरे को मना कर देगी, यानी दिल में प्यार है लेकिन जो समाज ना वो कभी भी एक इंसान और कभी भी एक बीस्ट को यहां पर मिलने नहीं देगा। इसलिए कुछ भी हो जाए मैं ना सहत स्टेज पर जाऊंगा, इंसान बनूंगा तभी जाके ना इसके साथ शादी करूंगा। इसलिए उड़ते हुए निकल जाता है अपने लैंग्वेज में कहकर, सुनो मैडम मैं बहुत जल्दी आऊंगा इंसान बनकर और तुम्हारे साथ शादी करूंगा। अपना मुर्गा भी अपने लैंग्वेज में चला था, भाड़ में चले जाए इंसान बनकर है ना तेरे गोटे फोड़ दूंगा। इसके बाद ना कई दिनों का टाइम ऐसे गुजरता है, हमारे दोनों पागल पागलों वाली हरकतें करते हैं, हवा में ऐसा हल्का हल्का सा उड़ता है, वो कहते ये देखो मैं उड़ रहा हूं, फैन कहते मैं तुझसे ज्यादा ऊंचा उड़ रहा हूं। अपना मुर्गा सोचता भी आसमान में उड़ो और सालों नीचे गिरो और ढंग से मर जाओ। अगले दिन एक दूसरे को पानी मारते कि ये देखो पानी तुमको लग गया, ये कहते नहीं तुमको लगा। अपना मुर्गा सोचता है कि भाई चुल्लू पर पानी लो और दोनों डूब के यहाँ पे मर जाओ। उसके बाद ना पेड़ से दोनों उल्टा लटके हुए थे और कहते भाई देखना मैं ज्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पे लटका रहूंगा। अपना मुर्गा सोचता कि काश एक रस्सी लेते उसका गोला बनाते अपने गले में लगा के पेड़ में लगाकर लटक जाते बड़ी। और ऐसे एक दिन और एक दूसरे को गोला मारे जा रहे थे बर्फ गोला। मुर्गा भी सोचता भी एक काम करते तोप गोला लेकर ना दोनों को मारो सालों दोनों खत्म हो जाएंगे। ऐसा करते करते भाई 3 साल का टाइम मैंने वैसे गुजर जाता है और तभी इनके घर के पास एक बंदा आता है जिसको चोट लगी थी, जो आवाज लगाते प्लीज हमारी यंग लेडी को बचा लो। जो प्रोफोन सेट यहाँ पे था ना ये उसका मेंबर था। अपना फ्रेंड सोचता भी मुझे तो कुछ तो सुनाई दिया, जांग भी सोचता सुनाई तो मुझे भी दिया। वो बंदा आता है वो खबर पूरा बताता है कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है। तो जो दादा है ना वो दादा यहाँ पे कहता है कि सुनो भाई जो प्रोफोन सेट यहाँ पे था ना उसने बहुत पहले हमको लोटस यहाँ पे दिया था बिचारी हमारी बिटिया की जान बचाने के लिए, तो अभी उनके ऊपर मुसीबत आ चुकी है, उनकी जो यंग लेडी जिसके साथ शादी होने वाली थी भाई हमारे लिए फैन का, हाँ तो उनकी जान ज्यादा बड़ी मुसीबत में, लीडर की भी जान मुसीबत में, तो एक काम यहाँ पे करो यार जाओ उनको यहाँ पे बचाओ, एहसान का बदला चुकाना जरूरी है। जो सुनते ये दोनों कहते ओके ठीक है, टेलीपोर्ट होता है अपना फैन वहां से निकल जाता है। पीछे से तीनों डिसिपल कहते मास्टर टेंशन ना लो आपके मास्टरनी का ध्यान है ना हम रख लेंगे, इंशोर्ड मुर्गे के बारे में कह रहे थे। तो दादा टेंशन में था, नौकर कहते टेंशन ना लो हमारे यंग मास्टरनी यानी मिस्टर लीन ने यानी फैन के बारे में कह रहा है कि उन्होंने कमाल का हमारा टेक्निक सीख लिया, तो बाई चांस मुसीबत में भी आ जाएंगे ना हाँ तो टेलीपोर्ट होकर अपनी जान बचा लेंगे। दादा भी कहता यस मैं फालतू में टेंशन ले रहता। अब शीश होता है यहाँ पे 3 दिन पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो यहाँ पे सेटर था ना भाई जिसको मैंने कहा था सेटर नहीं था बल्कि प्रोटेक्टर यहाँ पे था सेट का, उसने धोखा दे दिया था और लीडर के खाने में जहर मिला दिया था। लीडर भी कहता है साले सूर्यवंशम की खीर मुझे खिलाता है। ये भी कहता है यस 3 सालों से ना मैं मौका यहाँ पे ढूंढा था तुझे यहाँ पे खीर खिलवाने की जहर देने की, आज मुझे मिल गया। लीडर कहता मगर क्यों भाई मैंने तेरे साथ ऐसा क्या भी करा था, तू तो हमारे सेट के यहाँ पे प्रोटेक्टर है, तूने जो बोला मैंने सारी चीजें दी। ये कहते तूने अपनी बेटी नहीं दी या तो उसकी शादी है ना वो लीन फैमिली के बेकार लड़के साथ करवाना चाहता था जबकि मैं उससे प्यार करता था, मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, मैं उसके साथ परिवार यहाँ पे बनाना चाहता था बचपन से, लेकिन तूने मेरे बचपन का प्यार पूरा होने दिया नहीं है, तुझे शादी करवाने के बारे में मेरे साथ कभी सोचता भी नहीं है। तो ये भी कन्फ्यूज है तू शादी करना चाहता था मेरी बेटी के साथ, ये के तौर कि हम तूने करवाने दिया नहीं है, तू जब तक जिंदा रहेगा तू होने भी नहीं देगा, इसलिए बेटे तू तो मर। इतना बोल के लीडर पे हमला करके लीडर को और दूर धक्का और उसको देना वही सामने से अपना लीडर कहता है कि सुनो यार तुमको क्या लगता है तुमने हमको पॉइजन दे दिया, तो मैं इतना नल्ला हो चुका हूं कि मैं तुमको रोक ही नहीं सकता, अभी मेरे पास औकात यहां पर मैं तुमको रोकूंगा तुमको जहां से मारूंगा अभी। इतना बोल के ना अटैक करने को तैयार यहां पे था, लेकिन क्या भाई एक जोर से आवाज आती है, जो आवाज सुन के ये भी डर जाता भाई ये आवाज, और तभी ये बंदा आता इसी बंदे की आवाज थी और जोर जोर से चिल्लाते हुए
कहता है यस फाइनली आप इतने सालों से आजाद हो गए, शुक्रिया तुमने मुझे मूव फैमिली का ब्लड यहाँ पे दे दिया, वरना मुझे वहां से आजाद हो पाने में आई डोंट नो कितना टाइम लग जाता। अपना लीडर देखते कि भाई ये बंदा अबे यार नाइटमेयर ब्लड डेमोन इसका नाम यहाँ पर है, यानी इस प्रोटेक्टर के बच्चे ने इसको भी आजाद करवा दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी भाई ये कोई डेमोन आ चुका स्ट्रॉन्ग जिसको देखकर इस लीडर के भी फट गए, यानी जाहिर सी बात है लीडर टिक नहीं पाएगा, लेकिन हमारा फैन और जांग यहाँ पे आने को तैयार हो चुके हैं और जहाँ पे वो दोनों रहते हैं वहाँ पे मजा तो आता ही है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।